नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के बारे में आपने सुना होगा। भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। आज 5000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। गीता ने भगवान श्री कृष्ण में समझाते हुए कहा है कि हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? अर्जुन, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता करो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम लाए ही क्या थे जो तुमने खो दिया? हे मनुष्य, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। हे अर्जुन, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हे अर्जुन, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हे अर्जुन, ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव होगा। इस गीता सार में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से से लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। श्री कृष्ण जी ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर
उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे। और प्रकृति व्यक्ति को कर्म के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसे डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह का व्यक्ति स्वभाव का होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। चाहे मनुष्य ऊपर से जितना भी कहे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन जब उसके भीतर में एक अंदर भावना रह जाती है तो वह उसके अनुसार ही अपने कर्म करता है, जिसका फल उसे भोगना ही पड़ता है, वह चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ। कोई भी कर्म का फल हजार गुना बढ़कर मनुष्य के पास वापिस आता है, वह चाहे शुभ कर्म का फल हो चाहे अशुभ कर्म का हो। इसलिए हमेशा मनुष्य को उचित कर्म ही करने चाहिए। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि हर कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। कृष्ण जी ने बोला कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित होता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे ही योग कहा जाता है। वही जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई कर्म करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश नहीं कर पाता उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में करके अपनी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे मनुष्य का चित्त और इंद्रियां वश में रहकर परमात्मा को प्राप्त करके संतुष्ट होती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दे और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते हैं और दूसरे का काम करते रहते हैं वह लोग अक्सर परेशान रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वही कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुन्द्र को। असंख्य देवता है जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल, स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से
रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर दो और